Hello students, this is Richa ma'am and I am going to take your computer subject today. This video is only for the class 2nd. This is your computers chapter. These are your computers chapter. We will complete our first chapter before your exams. What is computer? This is your first chapter. And today I am going to take your second chapter. That name is main parts of computer. In your computer's book, there are only 6 chapters. So, that is the main reason I can't take your computer classes daily. Okay? There are only 6 chapters in your computer book. That's why I'm going to take your computer class in the gaps. Okay? Let's take our next chapter. That name is main parts of computer. So, this is our second chapter. Your chapter name is Main Parts of Computer. Let's read. Students, you know that our body is made up of many parts. Students, आप सबको ये बात तो पता ही है कि हमारी जो body है वो हमारी बॉडी के जो कुछ पार्ट्स हैं वो अलग अलग हमारी पूरी जो बॉडी जो बनी है वो अलग अलग पार्ट्स से बनी है और सारे पार्ट्स के अलग अलग अपने वर्क्स हैं जैसे कि यू हैव टू आइज़ेस यू हैव हेड्स यू हैव नीज यू हैव नोज यू हैव माउथ यू हैव ईयर यू हैव लेग्स यू हैव फिंगर्स एंड एल्बो सो दीज आर सम पार्ट्स That make your full body. आपकी eyes, head, knees, nose, elbows, mouth, fingers, ear और legs. कुछ ऐसे parts हैं जो इसमें दिए गए हैं बाकी parts नहीं दिए गए हैं लेकिन इन सब parts से मिलकर ही आपकी ये पूरी body बनती है ठीक तो students parts of body में अगर आप देखेंगे तो आपके कुछ ऐसे parts हैं जिससे मिलकर आपकी body बनती है इसी तरह कंप्यूटर के भी कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिससे कंप्यूटर बनता है अगर वो पार्ट्स नहीं होंगे तो आपका कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा लेट्स सी इन द सेम वे कंप्यूटर इज आल्सो मेड अप ऑफ मेनी पार्ट्स लाइक मॉनिटर सीपीयू माउस कीबोर्ड साउंड सिस्टम्स प्रिंटर एक्सेट्रा एग्जैक्टली द सेम मतलब कि एग्जैक्टली आपकी बॉडी की ही तरह कंप्यूटर के भी कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनके बगैर कंप्यूटर काम नहीं करता वो कौन कौन से पार्ट्स हैं मॉनिटर सीपीयू माउस कीबोर्ड साउंड सिस्टम्स एंड प्रिंटर ये सारे कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनके नहीं रहने पर कंप्यूटर सिस्टम वर्क नहीं कर सकता क्योंकि कंप्यूटर इन्हीं से ही बन के कंप्यूटर कहलाता है क्योंकि ये तो सिर्फ मॉनिटर है ये तो सिर्फ आपका कीबोर्ड मॉनिटर अलग होता है कीबोर्ड अलग होता है साउंड सिस्टम अलग होते हैं प्रिंटर्स अलग होते हैं लेकिन जब ये सब एक साथ होते हैं तब हम इसे कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर ठीक कंप्यूटर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ये जो आप देख रहे हैं मॉनिटर स्क्रीन ये कंप्यूटर नहीं है कंप्यूटर का मतलब है कंप्यूटर की ये सारे पार्ट्स जब उसके साथ होते हैं जिनका नाम अभी मैंने आपको बताया इन सब को बन के मिलकर ही कंप्यूटर बनता है तब हम उसे कंप्यूटर कह सकते हैं ओके नाउ आई एम गोइंग टू टेक योर फर्स्ट मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट नेम इज मॉनिटर लेट्स रीड What is monitor? It is like a television. Computer का जो monitor होता है it's look like a television. We can see pictures on it. We work on the screen. Computer का जो monitor होता है that is look like a television. Computer का जो आपका screen होता है ये बिल्कुल टेलीविज़न की तरह दिखता है मॉनिटर आपका कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है वो बिल्कुल आपका टेलीविज़न की तरह दिखता है कि नहीं दिखता है जैसे लगता है कि टीवी है लेकिन ये टीवी नहीं है
दिस इज अ मॉनिटर और वी कैन सी पिक्चर्स ऑन इट. हम इस पर पिक्चर्स देखते हैं. जो भी वर्क हम कंप्यूटर पे करते हैं वो हम किस पे देख सकते हैं? वो हम मॉनिटर की स्क्रीन पर देख सकते हैं. वी वर्क ऑन द स्क्रीन. हम इसी कंप्यूटर की स्क्रीन पर वर्क करते हैं. लुक एट दिस सम मॉनिटर, सीआरटी मॉनिटर, कलर मॉनिटर. सीआरटी मॉनिटर ऐसे मॉनिटर्स होते हैं जिसपे जो पिक्चर्स आपकी शो होती है वो ब्लैक एंड वाइट होती है, जो कि पहले के टाइम के मॉनिटर्स होते थे. अब जो कंप्यूटर्स के मॉनिटर है वो बिल्कुल ऐसे हैं, कलर मॉनिटर. सीपीयू, आवर नेक्स्ट मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर, दैट इज सीपीयू. लेट्स रीड व्हाट इज सीपीयू. फुल नेम ऑफ सीपीयू इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. इफ आई एम गोइंग टू आस्क यू स्टूडेंट्स व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, यू ऑल have to be answer, ma'am, CPU's full form is Central Processing Unit. Okay. Next point is CPU controls all devices. Remember, CPU सारे devices को control करता है. CPU computer का main part होता है. Main parts में से एक part होता है और वो सारी devices को अपने से अपने में कंट्रोल करके रखता है और उसी से सारी डिवाइसेस प्रोसेस होती हैं, चलती हैं. नेक्स्ट पॉइंट है, सीपीयू वर्क्स लाइक द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. एग्जैक्टली जैसे हमारे पास हमारा ब्रेन है, हमारी ह्यूमन बॉडी में हमारे मेन पार्ट में से एक पार्ट है ब्रेन भी होता है और बिना ब्रेन के हमारी बॉडी किसी भी काम की नहीं है. एग्जैक्टली द सेम कंप्यूटर में भी अगर सीपीयू नहीं होगा तो कंप्यूटर भी किसी काम का नहीं होगा और कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है वो कंप्यूटर का एक ब्रेन की तरह काम करता है. इसलिए अगर आपसे कोई पूछे कि हु इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर तो आप कहेंगे मैम सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज सीपीयू कन्वर्ट्स डाटा इन फ्रॉम 0 and 1. सीपीयू जो है वो डाटा को किस में कन्वर्ट करता है? फ्रॉम 0 to 1 कन्वर्ट्स करता है. 0 से 1 तक कंप्यूटर्स के जो डाटाज होते हैं वो बाइनरी लैंग्वेजेस में वर्क करते हैं और 0 और 1 ही बाइनरी लैंग्वेज होती है, जो कि आपको आगे की क्लासेस में हम समझाएंगे. नेक्स्ट पॉइंट, सीपीयू हैज मैनी सर्किट्स. सीपीयू के बहुत सारे सर्किट्स होते हैं. सीपीयू हैज 3 units. सीपीयू के 3 units होते हैं. वो कौन कौन से यूनिट्स होते हैं? लेट्स रीड. ALU, CU, MU. CPU के 3 units कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज ALU, दैट फुल फॉर्म दैट इज स्टैंड बाय अरिथमेटिक लॉजिक एंड लॉजिक यूनिट. CU इज फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट एंड MU इज फुल फॉर्म माइक्रो यूनिट. दीज आर 3 units ऑफ CPU. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज रैम एंड रोम. रैम एंड रोम जो है वो सीपीयू के ही पार्ट के अंदर, इसकी रीडिंग हम करेंगे. ये कंप्यूटर का मेन पार्ट नहीं है. पार्ट है बट मेन पार्ट्स में सी कंप्यूटर के मॉनिटर, सीपीयू, माउस और कीबोर्ड ही आते हैं. रैम एंड रोम भी बहुत ज़रूरी है. कंप्यूटर में रैम रोम नहीं होता तो वर्क नहीं होती है. कंप्यूटर पे कोई भी वर्क नहीं कर सकते. लेट्स सी व्हाट इज रैम एंड रोम. रैम, रैम्स फुल फॉर्म इज रैंडम एक्सेस मेमोरी. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम? रैम्स फुल फॉर्म इज रैंडम एक्सेस मेमोरी. रैम इज अ वॉलेटाइल मेमोरी. वॉलेटाइल मीन्स डाटा गेट्स लॉट्स व्हेन कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ. इट मीन्स वॉलेटाइल मतलब क्या होता है? अगर आपसे कोई बोलेगा रैम इज वॉलेटाइल मेमोरी मैम, अगर वॉलेटाइल मेमोरी आप बता रही हैं तो क्या होता है मैं वॉलेटाइल मतलब? इसलिए बताया गया, वॉलेटाइल मीन्स डाटा गेट्स लॉट्स व्हेन लॉस्ट व्हेन कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ. अगर रैम नहीं होता है तो कंप्यूटर के जो डाटाज होते हैं वो स्विच ऑफ होने पर लॉस्ट हो जाते हैं. मतलब कि सोचिए कि आप कोई वर्क कर रहे हैं और काम करते करते अचानक से लाइट चली गई और आपका कंप्यूटर सिस्टम एट रेंडमली ऑफ हो गया, तो जो आप इतना मेहनत से वर्क उस पर कर रहे थे वो कहीं गायब हो जाएगा.
लेकिन इफ यू हैव रैम रोम तो आपके डाटा जो है वो नहीं जाते हैं। लेकिन इन रैम की वजह से क्या होता है, अगर रैम है वॉलेटाइल मेमोरी रैम होती है, इसलिए इसमें क्या होता है कि अगर आपके डाटा ऑफ हो जाते हैं तो आपके सारे अगर सॉरी आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो आपके सारे डाटा जो है वो लॉस्ट हो जाते हैं, मीन्स हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉम दी रैम टेम्प्ररी डाटा इज स्टोर्ड इन दिस मेमोरी। टेम्प्ररी डाटा ही स्टोर कर सकते हैं हम रैम में, परमानेंटली नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं रोम पे। रोम्स फुल फॉर्म मतलब ROM रोम। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। इफ आई एम गोइंग टू आस्क यू व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रोम, सो यू स्टूडेंट्स यू ऑल आंसर मी, मैम द फुल फॉर्म ऑफ रोम इज रीड ओनली मेमोरी। ओके, व्हाट इज रोम, लेट्स रीड। रोम इज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। रोम अलाउज टू रीड ऑपरेशंस ओनली। रोम जो है उसमें रोम इज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल का मतलब मैंने आपको बताया था, जब कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो सारे डाटा लॉस्ट हो जाते हैं, लेकिन नॉन वॉलेटाइल मेमोरी रोम की अगर होती है, इसका मतलब कि अगर आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा तो आपके डाटा कभी भी लॉस्ट नहीं होंगे। रोम अलाउज टू रीड ऑपरेशन, रोम आपको अलाउ करता है डाटास को रीड करने, ऑपरेशंस रीड करने में ओनली, ठीक है। अब कंप्यूटर के नेक्स्ट मेन पार्ट पे आते हैं, दैट इज कीबोर्ड। लेट्स रीड, व्हाट इज कीबोर्ड। कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड इज सिमिलर टू टाइपराइटर। कीबोर्ड हैज मैनी कीज। द कीज आर यूज फॉर टाइपिंग। इट हैज फॉलोइंग कीज। कीबोर्ड इज एंड इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर की इनपुट डिवाइसेस में से एक है। इनपुट डिवाइसेस में से एक कौन सी है, कीबोर्ड। कीबोर्ड इज सिमिलर टू टाइपराइटर। कीबोर्ड बिल्कुल टाइपराइटर की तरह दिखता है। ये लोग देखिए, आपका कंप्यूटर का कीबोर्ड बिल्कुल टाइपराइटर की तरह दिखता है। कीबोर्ड हैज मैनी कीज, कंप्यूटर में जो ये कीज होती है, सॉरी कीबोर्ड में, इसको हम बटन्स नहीं कहते हैं। इसको आप कभी भी बटन मत कहिएगा, ये सब बटन्स नहीं है, ये सब क्या है, कीज है। इसको आप कीज कहेंगे, बटन्स नहीं कहेंगे। द कीज आर यूज फॉर टाइपिंग, ये जो कीज है वो किसके लिए यूज होती है, फॉर टाइपिंग, टाइपिंग के लिए यूज होती है। इट हैज फॉलोइंग कीज, कौन कौन सी फॉलोइंग कीज है, अल्फा न्यूमेरिक कीज। अल्फा न्यूमेरिक कीज मतलब अल्फाबेटिक कीज, A, B, C, D, A to Z। नंबर्स न्यूमेरिक कीज, न्यूमेरिक कीज मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं होता, 9, 0 0 टू 9 ओनली कीज होते हैं, देखिए, क्योंकि उसके बाद ही सारे नंबर्स बनते हैं। फंक्शंस कीज, फंक्शंस कीज ये होती हैं, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12 ये सारी फंक्शन कीज होती है। इस F का मतलब ही होता है फंक्शन, और फंक्शन कीज टोटल कितनी होती है, 12 होती हैं। एरो कीज, एरो कीज ये होती हैं राइट लेफ्ट अप एंड डाउन, दीज आर योर एरो कीज। एंड लास्ट इज स्पेशल कीज, स्पेशल कीज कौन सी होती हैं, ये सारी आपकी, जिसमें ये सारे आपकी स्पेशल कीज हैं, जिसके ऊपर ये सारे आपके सिंबल्स हैं। ओके, सो दिस इज योर कीबोर्ड। नाउ कम टू द नेक्स्ट मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर, दैट इज माउस। इट इज एन इनपुट डिवाइस। योर माउस इज आल्सो एन इनपुट डिवाइस। इट लुक्स लाइक अ माउस। ये बिल्कुल माउस जो होता है वो बिल्कुल चूहे की तरह दिखता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, माउस। वी गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर थ्रू इट, हम कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो किसकी हेल्प से, माउस की हेल्प से। माउस हैज टू और थ्री बटन्स, माउस के टू और थ्री बटन्स होते हैं। लुक एट द माउस, ये माउस है, इसके टू बटन्स हैं, लेकिन और भी माउसेस होते हैं जिनके थ्री बटन्स भी होते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द साउंड सिस्टम्स।
योर नेक्स्ट पार्ट ऑफ कंप्यूटर साउंड सिस्टम. इट इज एन आउटपुट डिवाइस. साउंड सिस्टम मतलब स्पीकर्स, स्पीकर्स भी कह सकते हैं, साउंड सिस्टम भी कह सकते हैं. ये आपका आउटपुट डिवाइस होता है. इट प्रोड्यूस ऑडियो आउटपुट. ये आपके ऑडियो आउटपुट्स को ही आपको मतलब सुनाई देती है. इसमें सारी चीज़ें जो है वो ऑडियोज ही सुनाई देती है, क्योंकि ये स्पीकर्स है, इसमें कुछ दिखाई नहीं देती. ओके, नाउ कम टू द लास्ट, दैट इज प्रिंटर. दिस टॉपिक इज प्रिंटर. प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस. प्रिंटर भी आपकी एक आउटपुट डिवाइस है. प्रिंटर प्रिंट्स रिजल्ट्स ऑन द पेपर आफ्टर प्रोसेसिंग. प्रिंटर्स आपके वो सारे रिजल्ट्स को प्रिंट कर देता है जब आप सारे प्रोसेस ख़त्म कर देते हैं, आपने सारे वर्क्स कंप्लीट कर लेते हैं और आपको उसकी कॉपी, एक कोई हार्ड कॉपी चाहिए होती है, तो कंप्यूटर का जो प्रिंटर है वो आपको हार्ड कॉपी निकाल के देता है. चलिए, लेट्स पॉइंट्स टू रिमेम्बर, लेट्स रीड. माउस इज एन इनपुट डिवाइस. माउस एक इनपुट डिवाइस होती है. कीबोर्ड हैज़ मैनी बटन्स. कीबोर्ड में मैनी बटन्स होते हैं, लेकिन हम उसको बटन्स नहीं कहते हैं, हम उसे कीज कहते हैं. मॉनिटर्स इज लाइक अ टेलीविजन. मॉनिटर बिल्कुल टेलीविजन की तरह होता है. सीपीयू वर्क्स लाइक अ ब्रेन. सीपीयू कंप्यूटर का बिल्कुल ब्रेन होता है, ब्रेन की तरह काम करता है. वी कैन डू शॉपिंग बाई कंप्यूटर. हम कंप्यूटर पर शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग भी कर सकते हैं कंप्यूटर की हेल्प से. वी कैन सी मूवीज ऑन कंप्यूटर. हम कंप्यूटर्स पे मूवीज भी देखते हैं. स्पीकर इज़ यूज टू प्रोड्यूस साउंड. स्पीकर जो है वो आपके साउंड्स को प्रोड्यूस करता है. सो क्लास सेकेंड, दिस इज़ योर सेकेंड चैप्टर. आई एम गोइंग टू फिनिश दिस चैप्टर टुडे. तो आपका ये चैप्टर आज फिनिश हो गया है. ओनली रीडिंग इज़ फिनिश. आपकी चैप्टर की रीडिंग बस फिनिश हुई है आज. आगे के क्लासेस में मैं आपको इसके सारे एक्सरसाइजेस, फिल द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एंड क्वेश्चन आंसर्स के वर्क करवाऊंगी, ठीक है, और मैच द कॉलम ऑल्सो. ओके, सो दो जो भी इस पर एक्सरसाइजेस हैं वो आपकी नेक्स्ट क्लास में मैं करवाऊंगी. सो क्लास सेकेंड, दिस इज योर सेकेंड चैप्टर ऑफ योर कंप्यूटर्स बुक, फ्रॉम योर कंप्यूटर बुक. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम अकॉर्डिंग फ्रॉम दिस चैप्टर, यू कैन आस्क मी ऑन द व्हाट्सएप. और इफ़ यू हैव एनी डाउट्स इन एनी टॉपिक, सो यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप. थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर.